गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो एक चाय हो गया है हमारा और अभी जस्ट बैठे बैठे हम लोग बैठ के जब चाय पी रहे थे तो बैठे बैठे ही बिटिया ने बोला कि आशु बहुत दिन से बोल रहा है समोसा घर पे बनाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि अपन जब खाना चाहते हैं तो ला लेते हैं, बट आज सुबह से ही है तो मैंने सोचा चलो आज यही दाबेली और समोसा चटनी आज बना लेते हैं नाश्ते में, और संडे है, हस्बैंड भी है घर पे, तो आज ये काम कर लिया जाए। और हाँ, वीडियोस थोड़ा कम हो रहा है, क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो काफ़ी सारा टाइम ऑनलाइन क्लासेस में चला जाता है, बीच में जो भी ब्रेक्स होते हैं उसमें खाना और वो सब तो नहीं हो पा रहा है। सो लेकिन ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं आज तो कर ही लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है आज दिन भर का क्या होता है, तो वो देखते हैं। और क्या, यस, कोविड का भी तो वही हाल चल रहा है, देखते हैं थोड़ा ठीक होता है तो शायद क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, इज़न्ट इट। तो ये, और कल तो एक मीटिंग है, अगर आज का पूरा कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल फिर मैं आपको ले जाऊंगी स्कूल और थोड़ा सा स्कूल भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, मैं पहले आलू बॉईल कर लेती हूँ, मसाले बनाती हूँ और उसके बाद समोसा बनाते हुए आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, एक छोटी सी क्लिप, और फिर देखते हैं और आज क्या क्या करती हूँ, बने रहिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा पीनट्स नॉन इज विजिबल लाइक दिस, नो प्रॉब्लम्स। हमने मटर डाले हैं, पीनट्स डाले हैं, सारे मसाले डाले हैं, जैसा खा के आपको टेस्ट लगता है सारा कुछ डाल दिया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम। और ये हमारा मसाला बन गया है समोसे का, और ये समोसे की लोई भी हमने बना के रख दी है जैसे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया है, बगल में साथ में चाय भी हो रहा है, और ये चाय नॉट के लिए चावल, चाय इज लुकिंग वेरी डार्क लाइक दिस, नो नो द कलर डजंट। देखिए फ्रेंड्स, आज मटर का दाल बना रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, मतलब रुखड़ा रुखड़ा जैसा आप देख पा रहे होंगे। ओके, दिखाऊँ अगर मैं तो ये देखिए बहुत सारा गोटा गोटा भी है, और अब मैं इसको पकाऊंगी इन माय ओन वेज, और बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा बना है, देन आई मे शेयर इट विद यू इफ़ यू वांट। तो बनाने ये जो अभी अभी तले हुए समोसे, ये जो अभी तल रहे हैं, वो जो अभी तलेंगे, मतलब तलना ही बोलते हैं ना, हाँ, फ्राई करना है। चटनी 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 विद धनिया पत्ती, टमाटर, पापा को बुला ले, मैं प्लेट सर्व कर रही हूँ। कैसा बना है? अच्छा, ये जो आपको रेस्टोरेंट कैसा मिली, रेस्टोरेंट में नहीं मम्मा, नॉर्मली वो यूपीए सरकार से कैसा बीजेपी पापा के फैक्ट्री में, ये अच्छा है, उसके बेकार करते हैं, अच्छा है फैक्ट्री में लोगों के लिए, माता आप लेने उनका हिस्सा लेने, लेकिन सिर्फ वोट का। कैसा बना नान में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चटनी कैसा है? चटनी भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा। ये मटर का दाल हो गया फ्रेंड्स पूरा, मैंने चौंका भी मार दिया है, देखिए कितना यम्मी है, तो आप सब खा के बताएंगे कि एक्चुअली खाने में कितना यम्मी है, देखते तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में भी। इसके साथ आलू बॉइल्ड वाले भुजिया एंड चावल ओनली, दैट मच, ठीक है, दैट विल बी फॉर लंच। दिस इज आलू बॉइल्ड भुजिया बोल सकते हैं, विथ मसाले एंड आलू आई हैव मेड इट, और इसके साथ बस चावल वो मटर का दाल एंड ये, दिस इज़ फॉर द लंच टुडे फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आज दिन भर मैं सोची आपसे फेस टू फेस आए, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला, और फिर नहा के आए एंड ऑल दैट, कुछ ना कुछ लगा ही रहा। तो अब दांतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, बेटी ने तो देख लिया है, बट मशीन्स वगैरह सब कुछ अभी घर पर है ही नहीं, सो आई जस्ट गो एंड शो एक बार कि क्या हो रहा है, और पता करते हैं।
तो अभी मैं और हस्बैंड उसके लिए निकल रहे हैं। और इतना सच में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी है अपने पास, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो अपन इन मौके में तब का तभी अगर चले जाते हैं डॉक्टर के पास एंड वी आस्क देम कि क्या हो रहा है, अगर उसको निकालना है, ऑपरेट करना है, क्या करना है, सो दैट ऑन टाइम हम मेजर्स ले लेते हैं तो वो रह जाता है। बस यही, और प्रॉब्लम यही है कि कोविड टाइम भी है और थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर, तो हियर इज़ माई मास्क, और या विंटर है तो थोड़ा सा अपने को स्कार्फ वगैरह भी बांध के जाना होगा। तो चलिए आके फिर मिलती हूँ, देखती हूँ क्या बोलते हैं डॉक्टर, फिर आपको बताती हूँ। चार फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा वो डॉक्टर के पास, तो मेरी क्या हुई, पहले मैंने क्या बोलते हैं अंशु, RCT ना, रूट कैनाल, पहले RCT रूट कैनाल हुआ था और उसके बाद शायद मैं कैपिंग करवाना भूल गई थी, तो वो कैपिंग नहीं करवाया था करके वो दांत फिर से वीक टूट गया, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में ही चला गया। एंड इट वाज रियली वेरी गुड कि डॉक्टर ने बोला कि वो अभी भी बचा लेगा, मुझे लगा कि शायद एक्सट्रैक्शन होगा, बट देन ही सेड कि नहीं बच जाएगा। एंड उसके बाद लेगा बाद उन्होंने फीलिंग की और उसके बाद ही ऑल्सो सेड कि अगर स्केलिंग करवा लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्केलिंग तो करवा लिया हम लोग, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने स्केलिंग की। और उसके बाद जब घर आए तो दूसरा प्रॉब्लम, तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, एंड देन एट द एंड एक्चुअली अभी जब मॉर्निंग को उठी हूँ, रात लेट हो गया था इसलिए मैंने घर आके फिर खाना भी बनाना था एंड ऑल दैट, तो मैंने वीडियो नहीं ली और एंड भी नहीं किया। तो आज मैं सोची सुबह बात कर लेती हूँ, अभी हस्बैंड जस्ट गए हैं और तो बस किया मॉर्निंग को जब उठी और जब कुल्ला वगैरह किया, फेस धोया, तो एक सेंसिटिविटी सा हुआ मुँह में, और मुझे पता नहीं, क्योंकि बिटिया भी डॉक्टर है तो उसको पूछा कि क्या है, तो उसने बोला कि शायद उन्होंने अपर लेयर इनामल, अरे वो कुछ नहीं, थोड़ा सा हाँ, तो वो वही कह रही है कि शाम तक वेट करो देखो, बट मुझे डर लग रहा है बिकॉज मैं इतने बार चाय पीती हूँ, आज मॉर्निंग की जब चाय भी ली तब भी थोड़ा सा कनकनाहट हो रहा था, सेंसिटाइज हो रहा था, और फिर लेट अस सी कि क्या होता है। हस्बैंड का सब कुछ ठीक है, सो ये तो दिस इज़ वॉट। और मंदिर भी खुल गया, हाँ, सो बस यही है फ्रेंड्स। और कुछ नहीं, आज सुबह से भी उठ के काफ़ी सारा कुछ, अभी कल तक हमारा रहेगा, कल एक्चुअली हमारी एक मीटिंग है स्कूल में, और उसके बाद 26 जनवरी, और 26 जनवरी के बाद से फिर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से होगा, तो विल ऑल हैव टू गो टू स्कूल और फिर स्कूल से क्लासेस होंगे, तो बस ऐसा ही रहेगा। तो लाइफ ऐसे ही बिजी चलते रहता है। और आज मौसम भी बहुत गंदा सा हो रहा है, दिखाऊँ अगर आपको, तो देखिए बादल हवा चल रहा है, फिर से शायद बरसात हो, और बस ऐसा ही देखते हैं क्या। और मॉर्निंग से तो मैंने कितना कुछ बना लिया, हस्बैंड को बहुत दिन से सूजी का हलवा खाना था तो उनके लिए थोड़ी सी सूजी की हलवा बना ली, फिर मौसम ऐसा हो रहा था तो उनको लिट्टी खानी थी आलू वाली, तो मैंने लिट्टी में जो सत्तू भर के बनाते वो आलू भर के बना लिया, और बच्चों के लिए चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ, तो बस ऐसा ही, दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफ, और चलता रहता है। फिर खाने के लिए देखती हूँ, बहुत हल्का फुल्का करूँगी क्योंकि क्लासेस 9 बजे से। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विद दिस आई एंड अप द वीडियो विच आई स्टार्टेड यस्टरडे। थैंक यू, डू सब्सक्राइब इफ नॉट सब्सक्राइब टू उमाज़ लाइफ स्टाइल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।